माहौल है, दो सितारों का जमी पे है मिलन आज की रात। दो सितारों का जमी पे है मिलन आज की रात इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं किसी माया नगरी में खड़ा हूँ और माया नगरी हांसी के अंदर है। ये माया नगरी क्या है, इसका मैं पूरा नाम बता देता हूँ कि माया रिक्रिएशन क्लब, जो राम शरणम के बिल्कुल अपोजिट है और मैरिज पैलेस भी कहलाता है। और जैसे ही आप मिनी सेक्रेट से आगे चलेंगे तो ये माया रिक्रिएशन क्लब आपको मिलेगा। ये क्यों देख रहे हैं आप, ये एक लंबे क्यों देख रहे हैं, ये सभी सेवादार हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं वेटर्स। ये मैन वेटर्स हैं, ये वीमेन वेटर्स हैं। खूबसूरत एक ड्रेस है और बहुत इस माया रिक्रिएशन क्लब के अंदर एक ऐसी शादी होने जा रही है, दो सितारों का जमी पे मिलन होगा आज। इनके ये झाड़ फानूस आप देख रहे हैं, देखते ही इनकी डेकोरेशन बनती है। हम जानेंगे इनके कुछ व्हाट्स योर गुड नेम, आपका क्या नाम है? अंजलि पांडे। अंजलि पांडे, माय नेम इज प्रिया, आई एम फ्रॉम दिल्ली। यू आर फ्रॉम दिल्ली। कहते हैं अक्सर ये कहते हुए सुना है कि भी वेटर उसे बोलते हैं जो एक बार ऑर्डर दे दे और फिर वेट करवाए, ऐसा तो नहीं है? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, नहीं। मेरे साथ जुड़ गए हैं चिराग जी। चिराग जी, और साथ में कटारिया साहब को भी दिखाइएगा कि वो बैठे हैं कटारिया जी। चिराग जी, मैं आपसे जानूंगा, माया रिक्रिएशन क्लब, जो मैरिज पैलेस भी जिसे हम बोल दें हम अपनी भाषा के अंदर, विवाह स्थल भी बोल दें जिसे हम, और बैंक्वेट हॉल भी बोल दें हम, बहुत फैसिलिटीज़ हैं, एमिनिटीज़ हैं, बहुत सुविधाएँ हैं। यहाँ जो शादी करता है वो गदगद हो के जाता है, हैं? जो शादी होती है ना, बड़े खुशनुमा माहौल के अंदर, और हम ट्रीट करते हैं मेहमानों को, गेस्टों को। बिल्कुल सर। तो यहाँ मैं जानूंगा कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। आज एक बहुत बड़ी शादी होने जा रही है और दो परिवारों का मिलन भी होगा इस शादी में। देख रहा हूँ कि झाड़ फूनस हैं, लटके हुए हैं, बहुत खूबसूरत यानी कि डेकोरेशन है, नैसर्गिक सौंदर्य है। बिल्कुल सर, ऐसा है, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी वेडिंग हो रही है, बहुत बड़ी वेडिंग हम करने जा रहे हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छा माहौल है। पहले सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं हंसी की आवाज़ के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे माया क्लब की तरफ से। चिराग जी, आप हमेशा हमारा चिराग की तरह आप चमकते रहते हैं और हंसी की आवाज़ के व्यूअर्स को आपने बहुत ग्रीट किया है। मैं जानूँगा आपसे कि माया इस रिक्रिएशन क्लब की क्या क्या खसूसियत है। एक बड़ा बैंकेट हॉल है, बहुत बड़ा बैंकेट हॉल है, आप देख रहे होंगे, बहुत अच्छी डेकोरेशन है। हमारे यहाँ पर स्विमिंग पूल, बहुत बड़ा हॉल, सबसे बड़ा हंसी का लॉन, बेसिकली अगर बात करें तो रूम्स, हमारे वीआईपी रूम्स, ग्रासी लॉन विद स्विमिंग पूल, हर चीज़ की फैसिलिटी है। इवन कैटरिंग की अगर बात करें तो बहुत अच्छी लेवल पे हम कैटरिंग करते हैं जी। कैटरिंग की भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज देते हैं, डेकोरेशन की भी देते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन की देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बैंकेट हॉल के साथ आपने मुझे बताया था कि आप डीजे फ्री करते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पर एक डीजे फ्री है, एलईडी वॉल जिसे बोलते हैं हम, एलईडी वॉल जो प्लाज्मा है जिसपे प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग कुछ भी आप चलाना चाहें, बर्थडे पार्टी का कोई भी व्यूज हो, कोई किट्टी पार्टी का व्यूज हो, वो सब एलईडी वॉल जो है हमारे यहाँ पे फ्री दी जाती है। व्यूअर्स, आप सुन रहे हैं मेरी बात, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि एक बहुत बड़ा बैंकेट हॉल है ये माया रिक्रिएशन क्लब के अंदर, और उसके साथ ही चिराग जी जैसे मुझे बताए जा रहे हैं, मैं दोहराता भी जा रहा हूँ, उसके साथ एलईडी वॉल जिसे बोलते हैं, एक बड़ा प्लाज्मा बोलते हैं जिसमें प्री वेडिंग भी कर सकते हैं और डांसिंग फ्लोर जिसे डीजे बोलते हैं, और वहाँ वेडिंग स्टेज के साथ में वहाँ लगा आपको मिलेगा, और साथ में एक 360 मूवी, सेल्फी मूवी जिसे बोलते हैं, नया ट्रेंड चला है। नया ट्रेंड चला सर, वो 360 मूविंग सेल्फी है, वो हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, सिर्फ अपनी ऐड के लिए, सिर्फ बेसिकली क्या है कि बैंकेट के अंदर किसी को भी कोई परेशानी ना आए, बैंकेट के अंदर जो भी फैसिलिटी है वो सब हमने सब इंक्लूड कर रखी है बैंकेट के साथ। अच्छा, स्विमिंग पूल इससे अलग है एक, बिल्कुल यहाँ? बिल्कुल सर, स्विमिंग पूल का लोन है, हमने बिल्कुल अटैच किया हुआ है, उसको हम ऐड ऑन भी कर सकते हैं और अदरवाइज उसको खाली पूल पार्टी के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये एस्ट्रोटर्फ सा ये ग्रासी लान है, सबसे बड़ा लान है, इसमें इतनी कितनी कैपेसिटी हो जाएगी सर? आज की अगर बात करें तो, अगर गैदरिंग की बात करें तो हमारी 2500 के आसपास की यहाँ की आज गैदरिंग है, और अगर बात करें वैसे बेसिकली वेडिंग की तो आप अप टू मान के चलो 3000 तक हम यहाँ पर वेडिंग करते हैं। इसमें मुझे पता लगा है 7 से 9 कमरे, यानी 7 to 9
9 रूम्स ऐसे हैं जो फुली एसी हैं, वेल इक्विप्ड विद वॉशिंग रूम एंड द टॉयलेट, वेल अटेस्ट। बिल्कुल 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 ऐसा है। बिल्कुल सर, जो हमारे 7 रूम है, 2 रूम हमने बेसिकली पूल पार्टी के लिए बनाए हुए हैं, 7 रूम हमने बैंकेट के साथ अटैच किए हुए हैं, वो वेल फर्निश्ड है विद एसी विद वॉशरूम ऑल थिंग। अच्छा, यहाँ पार्किंग की सुविधा बहुत बढ़िया है, बताते हैं कि पार्किंग बहुत आगे है, कितनी भी गाड़ियाँ आ जाएं, किसी को यानी कि कट भी है यहाँ पर और प्रॉपर अपनी लोकेशन पे पहुँच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखो अगर आप बात करें हांसी से, बस स्टैंड से बिल्कुल नज़दीक पड़ता है हमारा, मिड सिटी के अंदर है लोकेशन, किसी भी तरह से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोकेशन को देखोगे तो सबसे बढ़िया वेंकट हमारी लोकेशन पे आता है। ये ओल्ड हाईवे पर ये पड़ता है माया रिक्रिएशन क्लब, मैं बता दूं, और राम शरणम जो बना उसके बिल्कुल अपोजिट है। आप इधर कृष्ण प्रणामी स्कूल से इधर MM इंटरनेशनल स्कूल के बिल्कुल एडजेसेंट है। अच्छा, एक और आप फ्रेंचाइजी लेने जा रहे हैं। बिल्कुल सर, हम रेस्टोरेंट की एक रीओपनिंग कर रहे हैं बहुत अच्छे लेवल पे, चाट का चस्का के नाम से यहाँ पर ओपनिंग सुन के आपको दिखेंगे बोर्ड लगते हुए। चाट का चस्का मैंने दिल्ली में तो दे सुना है। बिल्कुल सर, दिल्ली लेवल पे एक रेस्टोरेंट, बहुत अच्छे लेवल पे रेस्टोरेंट को तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको पूल साइड भी विजिट कराता हूँ, आप पूल साइड देखिए, आपको वो भी व्यू दिखाता हूँ। हम इंटीरियर में चलते हैं और जो चिराग जी ने बताया वो आप सबको दिखाते भी हैं। आइए, अब हम प्रवेश कर गए हैं माया रिक्रिएशन क्लब के खूबसूरत बैंकेट हॉल के अंदर। ये हॉल है या, और मेरे साथ चिराग जी जुड़ गए हैं। चिराग जी, मैं आपसे जानूंगा कि ये हॉल के अंदर एक तो वेडिंग चेयर के लिए स्टेज बनी हुई है, ये आप दिखा रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बेसिकली वेडिंग के लिए स्टेज बनी हुई है और ये हमारा डीजे लगा हुआ है। डीजे फ्लोर है। हाँ जी हाँ जी। और डीजे फ्लोर के साथ ही आप बता रहे थे कि भी जो है LED वॉल, वो किधर है LED सर? ये LED वॉल उसको बोलते हैं जो पीछे बैकग्राउंड है, और जो ये हमने स्ट्रक्चर किया, ये स्ट्रक्चर किया हुआ है, और इसमें डिफरेंट लाइट्स आएंगी इसके अंदर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये मॉडर्न यानी कि आपका मॉडर्न आधुनिक तरीके आधुनिक है, बिल्कुल अल्ट्रा मोड है और LED वॉल है। बिल्कुल सर, देख शादी में तो आपके कदम डगमगाते हुए चलेंगे, लेकिन ये आप देख रहे हैं गर्ल्स वेटर हैं जो ये स्केटिंग करती हुई सर्विस करती हुई नजर आएंगी। ये भी एक आप में अजूबा है, सर्कस में तो आपने देखे होंगे लेकिन मैरिज में बहुत रेयर मिलेंगे, रेयर एंड रेयरेस्ट मिलेंगे, और मिलेंगे वो भी माया रिक्रिएशन क्लब के अंदर। थैंक यू। आइए मैं, हाँ हाँ, अब बोल दो फिर क्या बोल रहे हैं। ऊपर वाले शेड की वीडियो इस तरीके से लेना है। माया रिक्रिएशन क्लब के एक कॉकटेल सेगमेंट में जहाँ स्विमिंग पूल भी है, उसके किनारे यानी कि बैठकर आपको ऐसा यानी कि एहसास होगा, ऐसी फीलिंग आएगी कि आप किसी अंजना बीच पे बैठे हैं या पंजी की गोवा के अंदर बैठे हैं। ये है सेगमेंट माया रिक्रिएशन क्लब का, कॉकटेल सेगमेंट है। सामने प्लाजा लगा हुआ है और यहाँ गोल्ड यानी कि मेज लगी हुई है, साथ में खूबसूरत चेयर्स लगी हुई हैं सेगमेंट, और ये स्विमिंग पूल है। मैं जानूंगा चिराग जी से, चिराग जी ये स्विमिंग पूल है यहाँ, और तारों की छाँव में जब हम फेरे करवाते हैं तो यहाँ इसके अंदर कुछ ऐसी एडजस्टमेंट करते इसके हैं अंदर हमने ऐसी एडजस्टमेंट की हुई है कि हम नीचे पानी प्लेटफॉर्म ऊपर हम आग, जिसको बोलते हैं ना 3 चीज़ों का मिलन होता है, हवा पानी और आग का, उसका मिश्रण करके हम बेसिकली अग्नि का हम यहाँ पर उनका जो सेगमेंट बना करके इसमें हम फेरे करा सकते हैं। देखिएगा कि आपने बड़े बड़े शहरों के अंदर देखे होंगे, बैंकेट हॉल देखे होंगे या रिक्रिएशन क्लब देखे होंगे, हांसी के अंदर ये पहली पसंद आपकी बनेगा, और बन चुका है माया रिक्रिएशन क्लब, जहां शादियां होती हैं, मैरिज सेलोमनाइज होती हैं, और जोड़ियां बनती हैं, सगाई भी होती है, रिंग सेरोमनी होती है, और मैरिज बड़े से बड़ी सेलोमनाइज हो सकती है। बहुत अच्छा ग्रासी लॉन है, एस्ट्रोट्रफ टाइप का, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। चिराग जी मेरे साथ हैं, बस आपके साथ मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अगर आपको माया रिक्रिएशन क्लब में बुकिंग करानी हो तो वो किससे करवाएं और कहाँ करवाएं? आइए चिराग जी से पूछते हैं कि जो इसके डायरेक्टर हैं। चिराग जी, मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी बुकिंग के लिए बेसिकली लाल सड़क पे हमारा ऑफिस है नागपाल इवेंट्स के नाम से, आप वहाँ पर भी करा सकते हैं और ऑफिस के अंदर बैंकेट के ऑफिस के अंदर भी आप यहाँ की बुकिंग करा सकते हैं। स्लो स्लो अपना नंबर भी बताइए। 9812918585 इसे दोहराइएगा। 9812918585 और इस नंबर को हम बिल्कुल डिस्प्ले करेंगे, और आप चिराग जी से कांटेक्ट कीजिएगा और खूबसूरत यानी कि माया मैरिज
पैलेस जिसे रिक्रिएशन क्लब कहते हैं, वहाँ आइए और मैरी मेकिंग कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।